दो पॉलिटिकल पार्टीज एनसीपी और शिवसेना, इनको दो धड़ों में ये बट गए जिस किसी भी कारण से बटे। ऑपोजिशन का ये कहना है कि भाजपा ने अपना पावर, अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया और इसकी वजह से जो है लोग वोटर टर्नआउट भी कम हो रहा है, लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा अनिश्चितता है। आपको लगता है ये फैक्टर महाराष्ट्र में असर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, देखिए एनसीपी में दो गुट थे, ठीक है, शिवसेना में भी दो गुट हो गए थे, पहले से गुट चल रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था। अभी पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स कोई इतना फेयर गेम तो रहता ही नहीं। अगर ये दो गुट चल रहे हैं, अगर एक गुट कोई भाजपा की तरफ आ जाता है तो उसमें दुखी होने की हमें भी जरूरत नहीं है, हम वेलकम करेंगे उनका। सरकार जब बदल जाती है सर, लोगों ने जिसको वोट दिया था मान लीजिए, तो क्या लगता है इलेक्टोरेट को, वोटर्स को कहीं लगता होगा उनके साथ धोखा हो गया, हमने तो सरकार ने इसको लाया? हाँ, ये बात जरूर है। अच्छा, कि हमें कुछ सुधार करना चाहिए इस कानून में। जो 10th शेड्यूल लाया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द असेंबली और इसके बारे में, मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ संशोधन करना पड़ेगा और जरूर इसमें कुछ सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस पार्टी पे तुम चुन के आते हैं, जिस पार्टी के नाम के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इस पार्टी से अगर आप गद्दारी करते हो तो मुझे लगता है कि वोटर को लगता है कि भाई हमारा विश्वासघात हो गया। अभी इसमें क्या बारे में अभी तो डिबेट होगा इसके बारे में। आपके जैसे लीगल ईगल्स जब आएंगे तो उस पर जरूर लोगों को उम्मीद भी रहेगी। मैं बताऊं आपको एक सवाल सर, अभी फिर से अगर मैं ऑपोजिशन के ही मुद्दे पर आपको लेके आता हूं, मैं जानता हूं कि काफी बातें उठ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, बातें उठी कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है दे आर नॉट रिलीजिंग द डेटा ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स इन अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा, उनसे जवाब तलब किया है। इन सब को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं कटघरे में नजर आती है। आपको लगता है कि सरकार को इसमें डिफेंस करना चाहिए या इसके लिए भी कुछ लीगल उपाय हैं? या देखिए, ये इशू तो सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि तुरंत कौन सी यहाँ कहाँ वोट मिले ये देना जरूरी नहीं, डेटा नहीं दे सकते। कल ही सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में कहा कि भाई हैंड्स ऑफ, हम नहीं इस पर कुछ करेंगे।